बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा भाई, वो जो क्विज दिया था मैंने IFR 15 वाला, वो हो गया था अटेम्प्ट? मतलब एक इसने परफेक्टली आंसर ड्राफ्ट किया था, आपने भेजा नहीं था शायद, भेजा था? ओके जी भाई, तूने किया था वो क्विज? नहीं किया होगा, नहीं आपने किया था? अच्छा, वो फीडबैक सोले ने फीडबैक दिया था उस पे, जब आपने सबमिट किया था ना, ये तुम्हारा तो मैंने ही दे दिया था फीडबैक, तो वो हम लोग कोऑर्डिनेशन में थे। हाँ, उसके अंदर सिंपल ये था कि देखो, आपको ना बेसिकली पता होना चाहिए कि जब आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो ना, और वो कंपनी ऐसी कंपनी है जो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफर करती है, तो आपका रिस्क क्या है? क्या सिर्फ ऑडिट ये है, प्लीज सुनिएगा, क्या सिर्फ ऑडिट ये है कि आपने इनवॉइस चेक कर ली, या उसके पीछे के पैरामीटर्स चेक करने हैं? पैरामीटर चेक करना है, वो पैरामीटर थे क्या कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सही तरीके से आइडेंटिफाई ना हो। ये खुद देखो, अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं होगी तो पूरा का पूरा रेवेन्यू एक साथ बुक हो जाएगा, जो कि होना, यही आपका रिस्क है। तो आपको पहले रिस्क असेसमेंट करनी है। दूसरी चीज क्या थी उसके अंदर, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रांजेक्शन प्राइस की एलोकेशन। चलो मैं कह रहा हूँ, आपने तीर मार के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग अलग आइडेंटिफाई कर ली, अगर ट्रांजेक्शन प्राइस गलत है तो रेवेन्यू भी गलत होगा, क्योंकि एलोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और फिर ये भी तो हो सकता है, चलो आपने ट्रांजेक्शन प्राइस सही एलोकेट कर ली हो, बट आपने सबका रेवेन्यू एक साथ बुक कर लिया, जबकि उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना हुई हो, तो फिर अकॉर्डिंगली आपकी जो अकाउंटिंग के रिस्क है वही ऑडिट रिस्क है, तो आपने उसको इनलाइन करके चलना है। अच्छा जी, आज एक हम पहला पास पेपर करेंगे, बट उससे पहले एक रिस्क देखते हैं, फिर मैं पास पेपर पे सुनिएगा। एक ऐसे ही आपसे सवाल है, मैं ये कह रहा था कि भाई मैं अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देता हूं। हमारा एक क्लाइंट है जिसका नाम है टेलिनॉर। अच्छा भाई, ये क्या कर रहा था पहले, ये यूज कर रहा था ओरेकल सिस्टम, अब ये आ गया सैप सिस्टम के ऊपर। यानी जैसी बात है, हर इदारा चाहेगा कि भाई वो अपग्रेडेड रहे, एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी में जाए, तो वो पहले भी ऑटोमेशन था, अब और ऑटोमेशन पे चला गया। आपको नहीं लगता कि जब ओरेकल के अंदर पहले मेरे पास जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितने भी जनरल लेजर होंगे, जितने भी ट्रायल बैलेंस होंगे, वो सब उड़ के यहां से यहां पे डेटा क्या हुआ होगा, माइग्रेट हुआ होगा? नहीं, यही बात समझ भाई, एक पुराना सिस्टम है, एक नया सिस्टम है। तुम बेसिक एग्जांपल लो, तुम्हारा एक पुराना पोर्टल था, और अब आई थिंक तुम लोगों को शायद नया पोर्टल मिला है, अगर पोर्टल खोलने की जहमत हो। सही है जी, पोर्टल आपको नया मिला है, मुझे एक बार बताओ, क्या तुम्हें पोर्टल ऐसे ही इशू हो जाएगा या पहले डेटा माइग्रेट होगा? अच्छा, मैंने तुम्हें पोर्टल दे दिया, तुम बोल रहे हो सब खाली, कुछ भी नहीं है, तो किसी फायदा नहीं है ना, कोई काम की चीज नहीं। तो समझने की बात यह है कि कोई भी इदारा पुराने सिस्टम से न्यू सिस्टम पे जाता है तो वो अपने डेटा को क्या करता है, माइग्रेट करता है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ऑनलाइन वालों तुम बता सकते हो फिलहाल, यानी तुम बताओ, सोच के बताना रिस्क क्या है इसके अंदर। देखो दिमाग ऐसे सुन हो जाता है, ये किताब में नहीं लिखा हुआ, ये प्रैक्टिकल तो है। वेरी गुड, डेटा मिस हो जाए, रिस्क दैट ऑल डेटा इज नॉट माइग्रेटेड, वेरी गुड, कंप्लीटनेस का इशू, और कुछ भी कुछ भी। देखो पहली चीज, दो चीजें तो बता दी ना आपने, ये सोचना है एग्जाम में, अगर ये मैं फैक्टर्स नहीं बताऊं ना तो लिटरली आपके एग्जाम में आता हूँ, भूल जाए, मैं थ्योरी कराऊंगा, बोलोगे सर ये क्या है थ्योरी, कुछ भी नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। अब जरा बात समझें, पहला रिस्क क्या है डेटा इसमें, रिस्क दैट डेटा माइट नॉट बी ट्रांसफर्ड कंप्लीटली। इसकी एग्जाम्पल देता हूं, जो हमने चीज पकड़ी थी, टेलीनॉर के कस्टमर्स का डेटा एक से दूसरे पे गया था। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ ये टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है, यानी टेलीनॉर के अंदर ये एक बैंक भी आता है माइक्रो फाइनेंस, तो जाहिर सी बात है इसने जितने भी लोगों को उधार दिए हुए तो ये उसका रिसीवेबल है ना बैंक का। यहाँ पे आ रहे थे कोई 10 मिलियन कस्टमर्स, वहां पे गए तो 8-9 समथिंग कस्टमर्स आ जाते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा वहां पे जो डेटा गया वो कंप्लीट है इनकम्प्लीट है?
इनकम्प्लीट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि देयर इज अ रिस्क दैट डेटा माइट नॉट बी ट्रांसफर्ड कंप्लीटली, क्योंकि जब ह्यूज बल्क, इसकी बेसिक एग्जांपल लो, यार अगर मैं एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पे जाऊंगा तो हो सकता है कोई लेक्चर मिस हो जाए भाई, हो सकता है कि मैंने अगर एक टॉपिक के 15 लेक्चर हैं तो उसमें से 13 उसकी सीक्वेंसिंग आगे पीछे हो जाए, तो ये रिस्क है। तो जैसा सेक्टर होता है वैसे रिस्क होते हैं, तो हम तो सिंपल एक बात करें ना, रिस्क दैट डेटा माइट नॉट बी ट्रांसफर्ड कंप्लीटली। अच्छा, एक तो रिस्क ये कि कंप्लीटली ट्रांसफर ना हुआ हो, एक रिस्क है कि एप्रोप्रिएटली ट्रांसफर ना हुआ हो, यानी डेटा माइट बी ट्रांसफर्ड विद एरर्स। ये हो सकता है कि डेटा माइट बी ट्रांसफर्ड विद एरर्स। तो सर अब हम यहां पे दूसरी चीज लिखते हैं, रिस्क दैट माइट बी ट्रांसफर्ड विथ एरर्स। यानी सर देखो, अब पता है बच्चा क्या करता है, अब सवाल आप रीड कर रहे हैं कि ये एक्स वाई जी कंपनी है, ड्यूरिंग द ईयर उसने न्यू ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। मुझे तुम लोग बता दोगे ना तो मजा आ जाएगा, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ड्यूरिंग द ईयर न्यू ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है? अंडरस्टैंडिंग किसकी? अंडरस्टैंडिंग एनटीडी की, एनवायरमेंट से कुछ भी नहीं लगे ना इसका, ये तो किसकी अंडरस्टैंडिंग है? तो एनटीडी की जब मैंने अंडरस्टैंडिंग ली तो मुझे लोगों से पता लगा कि न्यू ईआरपी सिस्टम लगा है, तो मैंने अंडरस्टैंडिंग ली ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें पहली क्लास से कह रहा हूँ, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म इसको। अच्छा ऐसा मूवमेंट कह रहे हैं सर, लॉस ऑफ डेटा वाइल ट्रांसफरिंग, तो वो मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट हो गया ना, कंप्लीटली वाला, इसको अलग से भी लिख सकते हो कि देयर इज अ रिस्क दैट लॉस ऑफ डेटा वाइल ट्रांसफरिंग। तो जब डेटा लॉस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो उसको ऐसे भी कवर कर सकते हैं, सही जी। अच्छा भाई देखो यार, सुनो भाई, हम ईआरपी का बच्चा पूछा है कैसा, उसका भी नहीं पता, मैं बता देता हूँ भाई। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, अब जैसे लेट से अगर मैं एआरटीडी के अंदर सॉफ्टवेयर लगाना चाहूँ ना, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर अभी तो हमारे पास एक पोर्टल है, पर अगर मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाऊं, तुम लोग मुझे बताना, अगर मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊं कि मैं यहां पे अंदर आऊं ना, तो मैं थंब इंप्रेशन लगाऊं यहां पे, और मैं देखूं कि जैसे ही एम के क्लास में एंटर हुआ तो वो पता लगे कितने आवर्स चार्ज कर रहा है, यानी जैसे ही मैंने थंब इंप्रेशन लगाया तो मुझे पता लग जाएगा क्लास कब शुरू हुई थी। ये क्या होगा, ये आवर्स मेरे रिकॉर्ड होंगे, वो मेरे पर आवर रेट से मल्टीप्लाई होंगे जो 200 रुपए, सही जी, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स से, तो आपका क्या आ जाएगा, मेरा रेवेन्यू आ जाएगा, एआरटीडी का एक्सपेंस आ जाएगा। क्या ये कोई बंदा कर रहा है, ये ऑटोमेटेड है, ये रिसोर्स प्लानिंग है एंटरप्राइज, यानी पूरे एंटरप्राइज पूरे बिजनेस की रिसोर्स प्लानिंग, यानी सब एक जगह लेके आने को हम कहते हैं ईआरपी ऑटोमेशन। क्लियर है हसीब? ये एक एग्जांपल दी मैंने आपको। अब ऐसे ये भी हो सकता है, यहाँ पे जो पीएनज हैं वो भी जब इदारे के अंदर एंटर हों तो वो भी टाइम इन टाइम आउट करें, तो वो उनके आज रिकॉर्ड होंगे, आज उनकी बेसिक सैलरी से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे पर डे की, तो हमें पता लग जाएगा उनको सैलरी कितनी देनी है, कितनी डिडक्शन होनी है, सारी चीजें। ये क्या है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी पूरा ईआरपी सिस्टम है। और फिर मैं इसको यूं भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम जैसे बातें कंपनीज देखते हैं, इसको मैं यूं भी कर सकता हूँ कि एक बच्चा जब फीस जमा कर रहा है बैंक के अंदर, तो मैं क्या करूँ, बैंक को बोलूँ, हमारे ऐसे बहुत सारी कंपनीज को मुआवजे हुए होते हैं, बैंक को हम कहते हैं कि आप ना नाम वाइज सीआरएन वाइज, क्योंकि आपने पता नहीं देखा हो नहीं देखा हो किसी के स्कूल में ऐसा होता हो कि स्कूल की स्पेशल स्लिप होती है, जब बैंक में पैसा जमा कराने जाते हो ना तो स्पेशल स्लिप होती है, डिपॉजिट स्लिप एक अलग होती है, और कुछ कंपनीज या स्कूल्स की क्या होती हैं, अलग होती हैं। आई होप आपको शायद कभी जमा कराया हो तो ये याद हो कि स्लिप अलग होती है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की। अब लेट्स से मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनीज की एग्जांपल दूं, तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अगर मैं कोई प्रीमियम जमा कराने जाऊंगा ना, तो मैं बोलूंगा जाओ फैसल बैंक, तो फैसल बैंक के पास जो नॉर्मल डिपॉजिट स्लिप है उससे हटके होगी, वो किसने रखवाई होगी, इंश्योरेंस कंपनी ने, बैंक के पास, बैंक से अरेंजमेंट है। तो हम बैंक को ये कहते हैं कि डे एंड पे आप मुझे ये बताएंगे कि प्रीमियम के नाम पे कौन सा बंदा, तो उस पता है उसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा स्लिप के अंदर, पॉलिसी नंबर। आप लोगों के इसमें क्या लिखवा दूंगा मैं, सीआरएन नंबर, क्या होगा सीआरएन नंबर आप डालोगे तो बैंक के पास डेटा बनता जाएगा, वो डेटा मुझे दिन के आखिर में ईमेल करेगा, मैं अपने सिस्टम पे पार्क करूंगा, मैं देखूंगा कि जिस जिस बंदे को मैंने एक्सेस दिया हुआ है क्या उस सीआरएन के अगेंस्ट में क्या उसकी पेमेंट आई या नहीं आई, जिसके अगेंस्ट में नहीं आएगी वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। ये क्या है, ईआरपी सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम, बात क्लियर है। पर मैं कह रहा हूं कि अगर डेटा यहां से वहां चला गया तो क्या इसमें एरर हो सकता है, यस हो सकता है, नहीं हो सकता,
पहले यही काम ओरेकल पे होता था, अब किस पे हो रहा है? ईआरपी पे। देखो ये काम होते होते डेटा जमा होता है ना, कि 22,000 स्टूडेंट्स का डेटा एक जगह पे मौजूद है। अब हो भी तो सकता है ना कि 22,000 डेटा में जब मैं वहां लेके जाऊंगा स्टूडेंट्स का डेटा, उनके कोर्सेस, उनके लेक्चर्स, तो क्या हो सकता है? आगे पीछे हो सकता है, डेटा इनकम्प्लीट हो सकता है, हो सकता है कि वहां पे डेटा कम्प्लीटली ट्रांसफर ना हुआ हो। हुआ भी हो तो किसके साथ हुआ हो? एरर्स के साथ। बात क्लियर है? दिस इज द रिस्क। ये रिस्क मुझे कब पता लगेगा जल्दी बताओ? जब मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा किसकी? एंटिटी की। पहले दिन से इसी बात पर अटका हुआ हूं मैं कि आपने ऑडिट करने से पहले क्या करना है, अंडर रिस्क असेस करना है। और रिस्क कैसे असेस होता है? अंडरस्टैंडिंग लेके एंटिटी की और उसके एनवायरमेंट की। पहले बताओ, बात क्लियर है? ओके जी। अच्छा, एक निशान ने एक अच्छी बात कही कि सर एफएस का भी तो रिस्क होता है ना। बेटा रिस्क ही एफएस का है। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताएंगे, अगर ये डेटा गलत ट्रांसफर हुआ तो क्या ये है कि ये यही रिस्क है ना कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे होंगे? क्यों नहीं दे रहे होंगे भाई? इसका इम्पैक्ट है ना कि डेटा ही गलत है तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स आ रही हैं वो भी क्या होंगी? गलत होंगी। अब इसको प्रैक्टिकलिटी से लिंक करो। आपके एक कंपनी है जिसके पास कोई लाखों में फिक्स एसेट्स हैं, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करती है। जैसे HBL की एग्जाम्पल ले लो, HBL की एक ब्रांच है, 1600 ब्रांचेज हैं, 1600 ब्रांचेज हैं, तो 1600 ब्रांचेज में, 1600 ब्रांचेज में AC लगे हुए होंगे, टेबल चेयर कुर्सी सब होगा। तो मुझे एक बात बताओ, सारे एसेट्स होंगे? अब मैं डेटा माइग्रेट कर रहा हूँ यहाँ से वहां पे, अगर डेटा वहां पे माइग्रेट गलत हुआ ना, तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो भी क्या होगा? गलत होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूँ। आप रीजनेबल अश्योरेंस तब देंगे जब आपको सेटिस्फेक्शन हो कि ये डेटा यहाँ से वहां सही गया है, और फिर उसको ऑडिट करें। तो रिस्क कैसे पता लगता है सर? जब मैं समझता हूँ, किसको समझता हूँ? एंटिटी को। और वो मेरा काम है आपको बताना है कि अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त किन चीजों पर फोकस करना है। क्लियर है? ये वाला रिस्क फैक्टर क्लियर है भाई? यानी किसी सवाल में ये देखो तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये नहीं पता होती ना बात, तो आप बोलते हैं सही है यार, भी तो चेंज हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता? क्या फर्क है? डेटा कम्प्लीटली ट्रांसफर हुआ है तो एरर्स के साथ हुआ है। क्लियर है? ओके जी। अच्छा फिर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, किसी के दिमाग में आ रहा होगा ऑडिट कैसे होता है इसका, किसी में दिमाग में आ रहा होगा ना कि ऑडिट कैसे होता है। अब मुझे अगर कम्प्लीटनेस चेक करनी होती है, समझाने के लिए ताकि किल करके आगे बढ़ूं, क्योंकि प्रोसीजर मैंने अलग सिखाना है। वेरी गुड। आप पुराना डेटा उठाते हैं रैंडम सैंपल बेसिस पे, और देख सैंपल क्यों? तो ये क्या होती है? इनहेरेंट लिमिटेशन। आप सब चेक नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से सैंपल उठाते देखते हैं, ये डेटा अगर यहाँ आ रहा है तो वहां भी आ रहा है। इसका एक और तरीका है, मैं देखूंगा पहले पीपीई का टोटल अमाउंट कितना आ रहा था। अब उधर पीपीई का टोटल अमाउंट, अच्छा पीपी का टोटल सेम है, मतलब डेटा ट्रांसफर सही हुआ है। बात क्लियर है करना? अच्छा अगर रिस्क असेस नहीं करते तो क्या चेक कर पाते? क्यों? पता ही नहीं होता कि ये हुआ भी है। तो कल को अगर कोई मसला भी होता है इस कंपनी के अंदर, और कोई आके तुम्हारा ऑडिट करेगा, तो तुम बोलोगे मैंने रिस्क असेस किया था, मैंने काम भी किया था। अब इसके बाद कुछ हुआ है तो भाई मैं तो वैसे ही रीजनेबल अश्योरेंस देता हूँ। अच्छा अगर तुमसे कोई ये किए बगैर आके ऑडिट करता तुम्हारा, और तुम कहते हैं मेरी रीजनेबल अश्योरेंस है, क्या वो एक्सेप्टेबल बात होती? नहीं, क्योंकि एक अपेरेंट रिस्क था जिसको तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब इसको आगे लेके चलते हैं दूसरी चीज के ऊपर। अच्छा अब वही एक और स्टैंडर्ड की बात है जो तुम लोगों ने नहीं किया हुआ कवर, जिसका नाम है IS-38 intangibles। ये तुम FAR2 में करोगे मेरे साथ, पर उसकी हल्की सी झलक यहाँ पे मुझे आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि ना मैं ऑडिट को ही रोक दूं। इधर भाई मुझे आप एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी, जैसे फार्मा कंपनी है, तो वो अपनी मेडिसिन, जैसे कोविड आया था अभी, तो कोविड के केस के अंदर आपको याद होगा कि बहुत सारी कंपनीज फार्मूलाज डेवलप कर रही थी वैक्सीन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? देखो वैक्सीन एक टेंजिबल है, वो तो इन्वेंट्री बनेगी, पर उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? इनटेंजिबल है। नहीं यही बात समझ? देखो पहले तो मैं रिसर्च करूंगा ना, मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, इसमें इतनी मिकदार ये होनी चाहिए थी, ये अभी रिसर्च वर्क चल रहा है। जब ये फॉर्मूला बन जाएगा तो ये मेरे लिए एक इनटेंजिबल है जिसको आप छू नहीं सकते, पर ये आपका एसेट है। ये क्या है आपका? क्योंकि जो भी आपने पैसे लगाए थे वो क्या होंगे? कैपिटलाइज होंगे। और फिर आप बोलेंगे कि ये वैक्सीन में, वैक्सीन को बनाने में, वैक्सीन पे रिसर्च करने में जो मेरे पैसे लगे थे
वो मैंने कैपिटलाइज इसलिए की क्योंकि ये मुझे फायदा एक साल नहीं देगी, मल्टीपल ईयर्स। अब जो सोचो कि जब भी हमें बुखार होता है हम पैनाडोल खाते हैं, कुछ भी होता है पैनाडोल खाते हैं। समझने की बात ये है कि जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने, ग्लैक्सो स्मिथ ने ये पैनाडोल बनाई थी, तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसने ऐसी बनाई थी? पहले रिसर्च की थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की थी, उसको फार्मूला बना था। क्या वो फार्मूला हर किसी के पास है? नो, उस कंपनी के पास है। तो उसने जितना भी खर्चा किया था इस मेडिसिन को बनाने पे, या इस मेडिसिन के फॉर्मूले को बनाने पे, फॉर्मूले को बनाने पे, क्योंकि मेडिसिन तो इन्वेंट्री है ना, मेडिसिन का फॉर्मूला क्या है? इंटेंजिबल। तो जब मेडिसिन का फॉर्मूला बनाया था, उस पर जितना भी खर्चा हुआ, तो कंपनी ने क्या किया, उसको कैपिटलाइज किया, क्योंकि इसका फायदा एक साल का ही है, एक साल से ज्यादा, क्योंकि वो ओवर द पीरियड बिकेगी। इसकी भी अमोर्टाइजेशन होती है, बिल्कुल जैसे फिक्स एसेट की होती है, पर वो टेंजिबल होता है, ये इंटेंजिबल। अभी आगे देखते हैं। अब लेट से ये कंपनी है, मैं से कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो मेरी फर्म ने कोई विंडोज 10 के 15 लाइसेंस परचेज किए। क्या परचेज किए? 15 लाइसेंस, ताकि वो जेन्युइन विंडोज हम चला सकें। आप लोग चलाते होगे ना, घर पे नीचे आ रहा होता होगा एरर के एक्टिवेट विंडोज, तो वो क्यों आ रहा होता है? लाइसेंस नहीं होता। तो लाइसेंस के फायदे होते हैं, डेफिनेटली यस सर, आपके पास वायरसेस नहीं आते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं उसके। सुनो, अब हमारी फर्म पे तो ये पाबंदी है ना कि वो तो चलाएगी लाइसेंस प्रोडक्ट, तो जो लाइसेंस खरीदा है क्या वो इंटेंजिबल है, टेंजिबल है? इंटेंजिबल है, तो उसको भी मैं इंटेंजिबल एसेट कहता हूँ। क्लियर है? ये समझाने के लिए अब आगे सुनिएगा। IS-38 आपको ये कहता है कि जब भी आप, लेट से मैं यहां पे कहूं मेडिसिन का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो आपके दो फेजेस होते हैं। एक होता है सर आपका रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज। इधर देखिएगा, जब मैं रिसर्च फेज की बात करता हूं, तो आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई आप कोई भी मेडिसिन का फॉर्मूला ऐसे नहीं बना सकते, पहले आप करते हैं रिसर्च। अब रिसर्च के अंदर क्या आता है भाई? फिजिबिलिटी स्टडीज, लोगों से मिलना। क्या आपने अभी फॉर्मूला बनाना शुरू किया, या खाली आप फिजिबिलिटी कर रहे हैं अभी? अच्छा, यानी अभी आप कर ही रहे हैं, बात समझिएगा, अभी आप सिर्फ कर ही रहे हैं कि लोगों से मिल रहे हैं, सही है, देख रहे हैं कि किस किस लोगों को इन्वॉल्व करना है, लोगों को दावत दे रहे हैं कि आए यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे खाना पीना करते हैं, डिस्कशन चल रही है। अभी आपका ये कोई भी चीज बनना शुरू नहीं हुई है। तो वो कहते हैं रिसर्च फेज में आप जितने भी खर्चे करेंगे ना, वो क्या हो जाए, और एक्सपेंस आउट वो इसलिए करने को बोलता है कि क्योंकि यहाँ पे आपको पता होता ही नहीं है कि डेवलपमेंट करोगे या नहीं करोगे। स्टार्टअप में जिस तरीके से होता है, पर यहाँ पे देखो स्टार्टअप है ना, पर यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स। यहाँ पे हम कह रहे हैं बनी बनाई कंपनी है। अब वो कह रही है कि भाई, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड है, कोविड की जब वैक्सीन पे रिसर्च हो रही थी, कि मसले क्या, तुम लोग मुझे बात बताने आता है भाई, कोविड की वैक्सीन बनाने पे जब रिसर्च हो रही थी, तो पहले तो ये देख रहे थे ना कि भाई बीमारी क्या है, इससे कौन कौन से ऑर्गन्स हिट हो रहे हैं, कितना टाइम चलता है। तो ये तो रिसर्च है, अगर ये रिसर्च फेल हो जाती तो क्या डेवलपमेंट हो पाती? नहीं। तो वो कहता ही है कि रिसर्च फेज, देखो एसेट की डेफिनेशन क्या है, अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो, प्रोबेबल हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब रिसर्च कर रहे हो, तो क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल थे? नो, आंसर आता है नो। तो वो तभी तो कहता है कि रिसर्च फेज को क्या कर देना, एक्सपेंस आउट। और वो क्लियरली आपको पता लग जाता है कि आप लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, तो ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो क्या होंगे, एक्सपेंस आउट। हाँ, वंस रिसर्च खत्म हो गई, अब आप उस फॉर्मूले को बनाते हैं। जब उस फॉर्मूले को डेवलप करने लगते हैं ना, तो वो कहता है कि भाई देयर मस्ट बी अ प्रॉपर प्लान। क्या होना चाहिए? प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर प्लान के अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए? रिसोर्सेस। प्लान काफी नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो आप कंप्लीट कर पाएंगे, आपके पास रिसोर्स है तो कंप्लीट कर पाएंगे, रिसोर्सेस होने चाहिए। तीसरी चीज, कंप्लीट एंड यूज। ये मैं शॉर्टकट्स में लिख रहा हूं, वैसे तो इसकी कंडीशंस हैं। और चौथी चीज, कॉस्ट कैन बी रिलायबली। ये सिर्फ ऑडिट के हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूं,
बाकी इसमें हम पूरा लिखेंगे जब आई एस 38 में करेंगे वापस से। वो कहता ये है कि भाई आप डेवलपमेंट फेज में तब आओगे जब मैं ये मान लूं कि ये चीजें मौजूद है। क्या मौजूद है? पहला प्लान। क्या मौजूद है? प्लान। दूसरी चीज वो कहता है जो मैंने यहां लिखी नहीं है, इंटेंशन। प्लान प्लान काफी नहीं, आपकी क्या होनी चाहिए? इंटेंशन। इंटेंशन वो बोलता है ऐसे पता लगती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर लिया हो, आपकी एक्टिविटीज देख रही हूं। और बोलता है प्लान होना, इंटेंशन होना काफी नहीं है, पैसा भी होना चाहिए, लोग भी होने चाहिए करने के लिए। जब लोग भी हैं, पैसा भी है, तो फिर आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि क्या आप इतने काबिल हो कि उसको क्या करोगे कंप्लीट। अगर सोचो अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई और मैं तो बीच में ही बंद हो जाएगा ये, तो जितना खर्चा किया वो वैसे ही एक्सपेंस आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या होनी चाहिए? एबिलिटी टू कंप्लीट एंड यूज। चौथी चीज क्या है? कॉस्ट कैन बी, अच्छा कॉस्ट मेजर नहीं हो सकती तो कैपिटलाइज क्या करोगे? अच्छा समझने की बात क्या है, वो कहता है कि डेवलपमेंट फेज में जब आते हो ना तो आप इसको क्या करते हो? अच्छा आप मेरी बात बताओ, ये कंडीशन क्यों बनाई गई? आईएस 38 कहता है कि मैंने कंडीशन इसलिए बनाई क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हर कंपनी फिर अपना खर्चा बचाने के लिए बोले जो भी किया मेरा ये डेवलपमेंट फेज था, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप पहले कुछ भी नया काम कारनामा अंजाम देंगे तो उसके कितने फेजेस बनाएंगे? दो, एक रिसर्च और डेवलपमेंट। क्योंकि देखो कंडीशन इसलिए लगाई गई है क्योंकि वरना लोग पता है क्या करते हैं, जो भी खर्चा करते हैं बोलते हैं मैं रिसर्च कर रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था, तो कोई भी चीज पीएनएल में नहीं जाती। तो उसने कितने फेजेस बनाए? दो। रिसर्च फेज क्या होगा? एक्सपेंस आउट। डेवलपमेंट फेज क्या होगा? कैपिटलाइज। पर क्या आप ऐसे ही आ जाएंगे डेवलपमेंट फेज में कंडीशन मीट करके? अच्छा क्या होना चाहिए? प्लान और इंटेंशन। तीसरी रिसोर्सेज होनी चाहिए। चौथा कंप्लीट करने की एबिलिटी होनी चाहिए यूज करने की। पांचवा कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। ये तो बात हो गई आईएफआरएस की, आईएस 38 की। आईएस 38 कहता है कि ये हिस्सा होना चाहिए। अब तुमने जब पूरी कहानी सुन ली मुझसे, कहीं तुम बताओ लॉजिकली सोच के बताना, ऑनलाइन तुम भी बता सकते हो क्या रिस्क है इसमें, पूरा मैंने गेम समझा दिया, तुम अब मजे से बता सकते हो। हाँ क्या रिस्क है जल्दी सोच के बताना, आईएफआरएस का रिस्क है आप बताओ। वेरी गुड सर, रिस्क ये है, वेरी गुड, के रिसर्च फेज कैपिटलाइज हो गया हो। और एक और रिस्क इसको यूं भी लिख सकते हो, देयर माइट बी अ रिस्क दैट कंडीशंस फॉर कैपिटलाइजेशन माइट नॉट हैव बीन मेट एंड द कंपनी हैव कैपिटलाइज्ड द कॉस्ट। पहले तो बात समझ आई? देखो ये तुम्हें तब समझ आ रहा है ना जब तुम्हें पीछे मन तक पता है, जब तुमने अंडरस्टैंडिंग ली। अब जब तुम किसी क्लाइंट के ऑडिट पे जाओ या तुम्हें सवाल में लिखा हुआ दिखे कि कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा करती है, कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पे क्या करती है, तुम्हें ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पता लगेगा? अंडरस्टैंडिंग लेके। किसकी अंडरस्टैंडिंग? एनटीडी की अंडरस्टैंडिंग लेके। और सवाल में कैसे पता लगेगा? लिखा हुआ होगा। वही चीज जो तुम्हें इदारे में जाके देखते हो तुम्हें सवाल में मिलेगी। तो तुम्हें एक नॉर्मल बंदा देखेगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, पर तुम्हें तो दिमाग चलाना है ना। तुम्हारा रिस्क क्या है यहाँ पे? कि एक्सपेंस आउट होने वाली चीज कैपिटलाइज नहीं, क्योंकि कैपिटलाइज कब होगा? जब ये क्या होंगी? कंडीशंस मीट होंगी। पहले बताओ ये रिस्क समझ आया? कि देयर इज अ रिस्क, यानी आप बोलेंगे पहले वही फैक्टर हमने लिखना कैसे सीखा है, एंटिटी इज इन्वॉल्व या एंटिटी कंडक्ट हैविली रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। ये कहां से उठाया आपने सवाल से? पिक द सिचुएशन फ्रॉम द क्वेश्चन, याद आ रहा है? और लिंक कर दूंगा इसको किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी लाइन आइटम से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि देयर इज अ रिस्क दैट इंटेंजिबल्स माइट हैव बीन इम्प्रॉपरली कैपिटलाइज बिकॉज द कंडीशंस फॉर कैपिटलाइजेशन माइट नॉट हैव बीन मेट। आपने सिंपल लिख दिया कि अच्छा आपने पीपी से लिंक क्यों नहीं किया इसको? अलग से हेड है ना इंटेंजिबल। तो क्या हम कह सकते हैं देयर इज अ रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल बिकॉज देयर इज अ रिस्क। क्या रिस्क है? कि वो कंडीशंस मीट ना हुई। पहले तो बात क्लियर है जी? वो तो करते हैं ना, पर वो अभी केस नहीं ना, वो तो अभी आगे सीखेंगे। सही है, ओके। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात है, यानी इस रिस्क को समझ आ गया? ऑनलाइन तो जल्दी बता दो। Accounts that could have been expense out but capitalized. Accounts that could have been, नहीं गलत, intangible से, okay. अच्छा सर, cost किस तरह liability major हो सकती है?
देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट्स को बुलाया, सही, डॉक्टर्स को बुलाया, तो डॉक्टर्स की सैलरी जिस जूम में मैं बना रहा हूँ, जिस टेम्परेचर में उसको रखना है, उसको मेंटेन करने के लिए बिजली लग रही है, वो बिजली की कॉस्ट, तो वो एक्सपेंस आउट होगी, कैपिटलाइज होगी, कैपिटलाइज होगी, कैपिटलाइज होगी ना, क्योंकि जब डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। अच्छा उससे पहले बिजली लग रही है वो क्या होगी? एक्सपेंस आउट, क्योंकि वो फेज शुरू नहीं हुआ था। हमारा देखो रिस्क क्या है, अकाउंटिंग रिस्क क्या है कि वो कंडीशन पूरी ना हो ये फिर भी क्या हो गया हो, कैपिटलाइज हो गया हो। क्लियर है? अच्छा भाई, और ये कैसे पता लगेगा? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेके किसकी, एंटिटी की। तो वो तभी कहता है कि यार अगर बगैर अंडरस्टैंडिंग के काम करोगे ना ऑडिट नहीं हो सकता। आपको देखो आपको पता ही नहीं होगा ना चेक क्या करना है, पर आपको पता है चेक क्या करना है। क्लियर है? अच्छा भाई अगर मुझे चेक करना हो ना तो आप बखूबी बता सकते हो, मैं मैनेजमेंट से बोलूंगा प्लान दिखाओ, किस दिन पे प्लान बनाता, पहली चीज। दूसरा मैं बोलूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल दिखाओ, इंटेंशन पता लगेगी। मैं बोलूंगा लोग कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक्सपर्टीज पता लगेंगी। मैं बोलूंगा क्या तुम्हारे पास इसको आगे बेचने के लिए लोग हैं, जैसे कोविड के लिए लोगों ने बोला हाँ भाई बेचने के लिए, तो दुनिया खरीदने को तैयार है, तो क्या एबिलिटी टू यूज एंड सेल है? यस। मैंने कहा कॉस्ट कैसे रिलायबली मेजर करोगे? बोला क्या नशा किया भाई सारे लोग हैं इनकी कॉस्ट है। बात क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी वेरीफाई, बट वेरीफिकेशन कब करूंगा? जब मुझे पता होगा कि मसला क्या है। रिस्क ऑफ इनकम्प्लीट स्टाफ एक्सपर्ट इन नाउन, नहीं अभी मतलब ऐसा तो नहीं है ना, आप बेसिक बेसिक, आप तो ऐसा तो बोले कि भाई ऐसा तो उसके अंदर जो खर्चे किए हैं उसमें से डंडी मारी भी हो, आपने ब्रॉडर रिस्क देखना है, फिर ऑडिट में देखेंगे इसको। सही है निशा? जब इसको ऑडिट करने लगेंगे, जब प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, अभी हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। अच्छा भाई अब एक आपके पास एक मासूम सा सवाल है, आपका पहला पास पेपर इस तरीके का आता है, एंड आई बिलीव कि तुम लोग उसको करके दे सकते हो, तो सुकून से देखना, हेडिंग वाइज चलना, जो रिस्क है उसकी हेडिंग डालोगे और फिर मुझे बताओगे, जल्दी से मुझे करके बताओ ये। हाँ जी डन। अच्छा भाई प्लीज वहां पहुंच कर दो यार, ताकि हम देख सकें ड्राफ्टिंग। लिखना भेजना, नहीं, पिक्चर भेज, कोई मसले वाली बात नहीं, सबकी राइटिंग ऐसी है, मेरी खुद की कौन सी अच्छी है। एक आया हुआ है एहसान मोमिन ने लिखा है, डीपीएल ऑपरेट्स इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री व्हिच इज हाईली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, दिस में लीड टू अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एज एप्रोप्रिएट पेनल्टीज माइट नॉट बी रिकॉर्डेड। बिल्कुल सही, पहला डीपीएल प्रोड्यूसेस ड्रग ए व्हिच रिक्वायर रॉ मटेरियल दैट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, यानी इन्होंने प्रॉपर उसको लिंक किया, सही है ना, पहले तो उन्होंने फैक्टर बताया। दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ incorrect use of exchange rate with respect to IS 21 which may lead to incorrect valuation of trade payable and inventory भी लिख सकते हो आप। वेरी गुड यार, दो अब तक बिल्कुल सही है। ड्यू टू कॉम्पिटिशन इन द मार्केट डी पी एल मार्जिन हैज डिक्रीज विच क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस एंड इन्वेंट्री माइट नॉट बी। वेरी गुड यार, मार्जिन जब डिक्रीज हो रहे होते हैं तो हम कंटिन्यूसली अपने प्राइस प्रेशर की वजह से कम हो रहे होते हैं, तो एनआरवी वाला रिस्क लिखा था। वेरी गुड यार, DPL is actively participating in research activity of a new drug. This creates a risk that research expense might have been capitalized and the development expenditure might not have been accounted for as per IS 38. Very good, yaar. Tough competition in the market may decrease the sales, which creates a risk that the value in use of property, plant and equipment. ये बिल्कुल अच्छा लिखा है इन्होंने। इधर देख लो सब बच्चों, जब मेरे पर टफ कंपटीशन होता है, मेरे मार्जिन्स कम हो रहे होते हैं, तो आपको एक याद होगा इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट। इम्पेयरमेंट में मेरे कैश फ्लोज क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो मेरी वैल्यू इन यूज ऑफ पीपीई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर रिस्क होता है इम्पेयरमेंट ऑफ पीपीई का, कि जिस चीज को मैं यूज करके ये सारी प्रोडक्शन कर रहा हूँ उससे फ्यूचर आने वाले कैश फ्लोज क्या हो जाए, कम हो जाए। कॉम्पिटिशन भी है, मार्जिन भी है, दोनों फैक्टर्स विल लीड टू इम्पेयरमेंट ऑफ पीपीई। सही है ना, रिस्क है इम्पेयरमेंट ऑफ पीपीई का, मैं वाकई नहीं कर रहा पीपीई इम्पेयर हो चुका है, रिस्क है कि भाई हो सकता है कि यार मेरे जो कैश फ्लो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं, मार्जिन कम हो रहे हैं, तो दिस इंडिकेट कि मेरे पास इतने कमाई नहीं हो, रिकवरेबल अमाउंट कम हो, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो, तो मेरा एसेट क्या हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला? बिल्कुल अच्छा लिखा यार एसन, अगर तुम ये एग्जाम में लिखते तो 8 out of 8 डेफिनेटली मिलते तुम्हें। अच्छा भाई
शरुण ने लिखा है डीपेल इज अ लिस्टेड कंपनी ऑपरेट्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री व्हिच इज हाईली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट लायबिलिटी बाय नॉट रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ पेनल्टीज वेरी गुड जी अच्छा ये तुमने अच्छी चीज लिखी देयर इज आल्सो अ रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर का भी रिस्क होता है ये हो सकता है एक मुझ पे पेनल्टी लगी हुई हो और उस पे पंगा चल रहा हो वो डिस्क्लोज ना हुई हुई हो बिल्कुल सही सिंस द मेन प्रोडक्ट डीपेल इज ड्रग ए एंड विच इज इम्पोर्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ ट्रेड पेएबल नहीं वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड पेएबल सही है जी इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट की वजह से सोल्ड एट लोअर मार्जिन ड्यू टू अंडर परफॉर्मिंग ऑफ ड्रग ए For a number of years and currently sold at low margin, there is a risk that inventory might not be recorded at lower of cost or NRV. बिल्कुल सही है. Arrival of competitor का तुमने सही लिख दिया कि भाई PP के ऊपर risk है. Very good जी. अब हमारे भाई ने लिखा है, as GPL has continuously carrying out research and development activities, there is a risk that cost of the research phase are capitalized rather than being expensed out. Very good यार. There's a risk that research cost expense are understated and the intangibles are overstated. Further, there's a risk that improper capitalization of development costs. बिल्कुल सही है यार. अच्छा भाई, अब अगर हम और देखें, गौतम ने लिखा है एक आंसर. DPL highly regulated environment में काम करती है. In case of there might be a risk of understatement penalties. ये भी सही है. अच्छा गौतम, जैसे बाकी बच्चों ने heading डाल दिया तो तुम भी prefer करो कि heading डाल के. हेडिंग डाल के यानी पता लगे क्लियरली एग्जामिनर को कि इसने ये रिस्क आइडेंटिफाई किया सही है जी इट्स मेन प्रोडक्ट ड्रग ए विच इज इम्पोर्टेड ये भी सही लिखा देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ यूज ऑफ इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट आप पूरा लिखना कि देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड पेएबल ड्यू टू यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट क्लियर है आपने पहले बताना है कौन सा लाइन आइटम इफेक्ट होगा As GPL is continuously carrying out research activities for development of a new drug and importing existing drugs, minus this, there's a research cost. Research activities, development of a new drug and improving existing drug. There might be a risk that research cost has been capitalized or development might be. Jani, aakhri wala thoda panga ho gaya. Otherwise, sahi hai. अच्छा यहाँ पे निशा ने लिखा है डीपीएल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है इंपोर्ट करती है ड्रग ए इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल एक्सचेंज गेन लॉस का मसला है अच्छा जी इसके बाद कौन सा था अच्छा लास्ट अच्छा तुम ही तुमने ही लिखा है अच्छा लास्ट वाले में ये कि मिक्स कर दिया तुमने डीपीएल कंटिन्यूसली कैरी करता है रिसर्च एक्टिविटी तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है कि देयर इज अ रिस्क दैट रिसर्च कॉस्ट माइट हैव बीन कैपिटलाइज्ड और डेवलपमेंट माइट हैव बीन कैपिटलाइज्ड इनकरेक्टली ये दो रिस्क हैं बस इसके सही है इसको सिंपलिसिटी में लिख दो दैट्स इट कंफ्यूजिंग नहीं अच्छा भाई ईमान लिखती है कि सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है हाईली रेगुलेटेड है देयर मे बी अ रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस वेरी गुड मेन प्रोडक्ट ड्रग ए है दिस वेरी दिस विल लीड टू अच्छा देखो ईमान आपने ये गलत लिखा आखिर में दिस वे लीड टू ऑल इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑल इनकरेक्ट वैल्यूएशन नहीं लिखते कभी भी ईमान हम लिखते हैं देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड पेएबल ड्यू टू यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट्स सही है अच्छा भाई अब लास्ट ईयर अ कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस अ इम्प्रूव वर्जन ऑफ ड्रग ए हमने प्राइसेस रिड्यूस किए हाउएवर बीइंग मेड एंड द कंपनी हैज कैपिटलाइज्ड अच्छा हैव टू कंटिन्यू कैरी आउट रिसर्च एक्टिविटीज फॉर डेवलपमेंट दिस मे गिव अ यूज टू इम्प्रॉपर कैपिटलाइजेशन अच्छा ईमान यहाँ पे थोड़ी अंग्रेजी सही करनी पड़ेगी सही है ना दिस विल लीड टू एंड देयर मे बी अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसर्च एक्सपेंस एज अ डेवलपमेंट कॉस्ट ये लिखना था सही है ट्राई अच्छा है कोई मसला नहीं दो बिल्कुल सही है आपके ड्रग हैज बीन परफॉर्मिंग अंडर परफॉर्मिंग सही एंड सोल्ड एट लो मार्जिन देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस तीन सही है एक में मसला है सही है मान बाकी सब ओके हाँ भाई बाकी आप लोगों ने बाकी उन्होंने कहा है पोस्ट नहीं किया भाई हाँ
रमिशा ने लिखा है डीपीएल ऑपरेट्स हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में सो देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट और पेनल्टीज, बिल्कुल सही है। रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, रिस्क ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड पेबल, ये भी सही है। अंडर परफॉर्मिंग है, देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस एंड ओवरस्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। और फिर आखिरी लिखा है आपने ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन डीपीएल have to carry out research activities, there's a risk that it has been capitalized incorrectly, a condition for capitalization might not have been met. बिल्कुल perfect. यानी सर बच्चों ने जिसने गलती की भी है तो उसको 8 में से at least 5 या 6 नंबर मिलते हैं क्योंकि उन्होंने एक ही रिस्क को कटाया। जी पीपी वाला वापस बताता हूँ भाई, मुझे एक बात बताओ। अच्छा ज्यादा नहीं था, समझ तो आ गया ना भाई ऑनलाइन वालों, तुम सब पीपी वाला समझ तो आ गया ना रिस्क कि कंटिन्यूसली अगर सेल डिप्रेसिंग कंडीशन में और मार्जिन भी कम हो रहे हैं तो दिस विल क्रिएट अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपी। क्लियर है? अच्छा मैं खाली आपको आंसर दिखा देता हूँ। वेरी वेल परफॉर्म, ये इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, आपने जिस तरीके से लिखा है वो भी सही है। तो देखिएगा डीपीएल को कंप्लाई करना है किससे, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से, और एनी नॉन कंप्लायंस किसमें रिजल्ट हो जाएंगी। अच्छा इसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क, इसको हम क्या कहते हैं। अच्छा ये बिजनेस करने का रिस्क है, बहुत सुकून से समझिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, इधर देखिएगा ये कौन सा रिस्क है, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है सर? बिजनेस रिस्क ये होता है कि बिजनेस करने से जो रिस्क अराइज हो रहे होते हैं। अच्छा फिर एक होता है ऑडिट रिस्क, उस चीज से जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट होता है वो मेरा क्या है, ऑडिट रिस्क। यानी क्या मैं कह सकता हूं कोई बिजनेस रिस्क होगा तो ही वो मेरे एफएस को क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि बिजनेस रिस्क क्या था, कि भाई जो मैंने आपको सिखाया सिचुएशन पिक करो लिंक करो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अजर्शन, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लाइन आइटम, डीपीएल हैज टू कंप्लाई विद वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, एनी नॉन कंप्लायंस विल रिजल्ट इन हैवी फाइंस। तो आपके पास रिस्क क्या है यहाँ पे, कि भाई देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंसेस एंड देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज्ड पेनल्टीज जो कि डिस्क्लोज ना की गई हो। पहला आप लोगों ने सही लिखा था, मैं फिर कह रहा हूं आपके मतलब सेम होने चाहिए, अंग्रेजी कुछ भी हो पर वो अंग्रेजी वो हो कि मतलब ये बताए। आगे कॉम्पिटिटर आ चुका है, उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, देखो ड्रग है, लोअर मार्जिन पे बेचा है, इन्वेंट्री माइट नीड टू बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सिंस जीपीएल इज अ लिस्टेड कंपनी रेवेन्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हैं तो देखो पीपीई का भी रिस्क है इंपेयरमेंट का, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली सेल डिप्रेसिंग सिचुएशन में मार्जिन भी कम होते जा रहे हैं तो आगे जाके वैल्यू न्यूज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मेरी एसेट की रिकवरी कम हो जाएगी, कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी तो फिर क्या हो जाएगी हमारे एसेट की इंपेयरमेंट। आगे डीपीएल कंटिन्यूसली रिसर्च कंटिन्यू करता है, इफ द क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट हैव नॉट बीन मेट, रिसर्च कॉस्ट माइट बी इनअप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड एज डेवलपमेंट कॉस्ट। ये तो एग्जामिनर का सजेस्टेड सोल्यूशन है, ये तो एग्जामिनर का सजेस्टेड सोल्यूशन है, उसने कितना कंसाइज लिखा है पर तुम लोगों ने डिटेल लिखा है कि तुम्हारी बात पढ़ के समझ आ रही है कि भाई ये रिस्क है, इसका ये इम्पैक्ट है। पहले बताओ बात क्लियर है, आइडिया सेम है। देखो हमारे भी क्या मकसद था कि रिसर्च कॉस्ट क्या हो गई हो, कैपिटलाइज हो गई हो, उसने इसको इस तरीके से लिखा, दोनों ने बातें क्या की सेम की, आप अपने वाले तरीके को फॉलो करेंगे जो मैं कह रहा हूं आपको। आखिरी चीज ड्यू टू सिग्निफिकेंट इम्पोर्ट, क्या रिस्क था इसका, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और पेबल का, देखो देयर इज अ रिस्क दैट ट्रेड पेबल मे बी नॉट बी ट्रांसलेटेड यूजिंग करेक्ट रेट और एक्सचेंज गेन लॉसेस मे नॉट बी कैलकुलेटेड। और इसको अगर हम यूं भी लिख देते हैं कि देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल ड्यू टू यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, तब भी बात क्या थी, सेम थी। अब ऑनेस्टली मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर ये 8 मार्क्स का सवाल है आप अपने आप को कितने देते हैं कंसिडरिंग ऑल दीज सिनेरियोस? 5 पीपी वाला एक ही नहीं लिखा ना, तो आप ये समझें कि उस एक पॉइंट में अगर मैं वो हटा दूं 2 नंबर तो कितने हो गए, 6 नंबर। तो क्या 8 में से अगर 6 मार्क्स आपको मिल रहे तो क्या बुरे हैं? और अभी मैं आपको ये बता दूं बखूबी तौर पे कि आपने कुछ भी याद नहीं किया हुआ, आपने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को क्या किया है, अप्लाई किया है, टेस्ट किया है। मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, बोलेंगे सर ये क्या मजा आ गया, थ्योरी कुछ और है, आता उसका प्रैक्टिकल है, तो हम किस पे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटीज पे। क्लियर है? तो सर अगर हम तमीज से अपने चीज़ों को लेके चलें तो ये ऑडिट मुश्किल नहीं है, पर लॉजिकली चलना है खुदा के वास्ते। जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऑडिट में थोड़े से बच्चे हैं सीरियस, कि उनको पता है कि ये पेपर ना अटक जाएगा गले में और फिर ये पास नहीं होता, 7-7 अटैम्प्ट लग जाती है। मैंने पहली क्लास में एग्जाम्पल दी थी, डायरेक्टली भेज दिया करो, कोई मसले वाली बात नहीं है, बट आप प्लीज
जो कह रहा हूँ वो अटेम्प्ट करते चलो, पेपर निकल जाएगा ये। सही है जी, मिलते जानिए अगली क्लास में। मिशेल मैं रीड कर लेता हूँ जाते जाते, सही है, फॉरन ऑफिस भाग रहा हूँ मैं आपको, मैं वहीं फीडबैक दे देता हूँ। सही है जी, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।